Namaskar and good evening. Today, we'll talk about a company whose operational performance has been reasonably good. I can even say very good. But whose market price performance has been dismal. Not very encouraging in market price, but operationally very good. The name of the company is PRAKASH INDUSTRIES LTD, which was founded in 1980 for producing steel and power, PVC pipes and fittings, flexible packaging, mining, and so on. This company has emerged as one of the key players in steel making from iron ore and many steel products. So the company has been going through a lot of forward integration and backward integration both. Hum PRAKASH INDUSTRIES LTD ke bare mein baat kar rahe hain. Ye steel making और PVC pipes making, flexible packages, iron ore mining, इन सब में लगे हैं. PRAKASH INDUSTRIES steel making में एक बड़ा player है अब. It is ये forward integration भी कर रहा है, backward integration भी कर रहा है. हम पहले Q2 का रिजल्ट्स देख लेंगे, उसके बाद Q3 रिजल्ट्स देखेंगे. क्योंकि सभी रिजल्ट्स बहुत बहुत अच्छा है. Q2 अच्छा है, Q1 अच्छा था एंड Q3 अच्छा है. फिर भी इसका मार्केट दाम बन नहीं रहा है. देख लेंगे Q2 कैसा है. नेट सेल्स 950 करोड़, year on year growth 47%. Net sales का growth 47% year on year अच्छा है. ये बेटा 192 crores, ये भी 55% year on year growth है. Net profit यदि हम देखेंगे तो 130 crores, 86% growth year on year, from 70 crores to 130 crores. आगे का Q2 से आज का Q2 86% ग्रोथ है, 130 करोड़ है एक्चुअल फिगर्स. प्रॉफिटेबिलिटी हैज कम ड्यू टू ऑपरेशनल एफिशिएंसी, हायर प्रोडक्शंस एंड हायर सेल्स रियलाइजेशन. जो बेचते हैं उसका दाम भी बड़ा है, क्वांटिटी बड़ा है, इस तरह है. सो वो प्रॉफिट्स भी बड़ा है, सेल्स भी बड़ा है. सो अचीव्ड हाईएस्ट क्वार्टरली सेल्स ऑफ 2.4 लाख टन्स. यदि हम प्रोडक्शन कैपेसिटीज देखेंगे तो 28% सेल्स वॉल्यूम ज़्यादा है. 2.4 लाख टन्स माने 28% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ वॉज देयर इन Q2 ऑफ दिस ईयर. सो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अच्छा है, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, रॉ मटेरियल सप्लाई अच्छा था, को लिंकेजेस अच्छा था, लॉन्ग टर्म सप्लाई अग्रीमेंट्स फॉर हाई ग्रेड आयरन ओर वो भी अच्छा था. नाउ लेट अस लुक एट Q1 आल्सो वाज गुड. सो होल ऑफ H1 वाज गुड. इन H1 the sales have grown by 49% and net profit has grown by 127%. Acha hai na? So sales was always growing, net profit also was always growing. H1 it has grown, Q1 it has grown, Q2 it has grown. That means H1 it has grown very well. Now previous year, that is 2017-18, there also it has grown very well. Sales have grown by 35%, EBITDA by 125% and net profits have grown by 392%. So compared to previous year also,
FY 17-18 बहुत बढ़िया साल था. सो 35% सेल्स इंक्रीज एंड 392% नेट प्रॉफिट इंक्रीज. सो मैनेजमेंट वॉज क्वाइट कैपेबल एंड कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट इन ऑपरेशनल एफिशियंसीज. सब तरह का इम्प्रूवमेंट्स हो रहा था भी. नाउ इफ यू लुक एट फ्यूचर, वर्षा में एक सिरका गुट्टू इस तरह का एक प्लेस है, वहाँ एक कोल माइन है, आयरन और माइन है. ये आयरन और माइन इनको दिया गया है. इसके लिए बहुत सारा अप्रूवल्स रिक्वायर्ड. उसमें से रेवेन्यू फॉरेस्ट लैंड, ये माइनिंग लैंड कन्वर्ट करने के लिए अप्रूवल, स्टेज वन अप्रूवल दिया गया है. एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द माइन इज एक्सपेक्टेड बाय शॉर्टली. सो सिरका गुट्टू मेन से माइन से आयरन और एक्सट्रैक्ट करने का प्रिपरेशंस चल रहा है और कभी भी ये शुरू हो सकता है. और जो ऑलरेडी आयरन और सप्लाई हो रहा है उससे स्पॉन्ज आयरन एंड पावर कोजनरेशन, इसको प्रोड्यूस करने के लिए सब तरह का प्रयत्न चल रहा है. सो सिक्स्थ स्पॉन्ज आयरन यूनिट रोटरी किल्न विथ ए कैपेसिटी ऑफ 0.2 मिलियन टन्स पर एनम एंड 15 मेगावाट्स पावर जनरेशन कैपेसिटी, दे आर ऑल्सो लाइकली टू बी कंप्लीटेड शॉर्टली. सिक्स्थ स्पॉन्ज आयरन यूनिट. सो आज तक 5 स्पॉन्ज आयरन यूनिट्स है, सिक्स्थ स्पॉन्ज आयरन यूनिट भी चालू होने का आशा है. ये विच मीन्स कमिंग डेज नेक्स्ट क्वार्टर देर विल बी फर्दर इम्प्रूवमेंट्स इन स्टील मेकिंग कैपेसिटी, स्पॉन्ज आयरन एंड स्टील. नाउ पीवीसी पाइप डिवीजन में कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ डीमर्जिंग द पीवीसी पाइप्स यूनिट. डिफरेंट अप्रूवल्स आर कमिंग एंड इट इज लाइकली टू टेक प्लेस शॉर्टली. Now, a flexible packaging unit, plastic packaging actually, that has been completed. That is likely to go along with Prakash pipes, which is to be demerged. So, as on today, we find that it is increasing almost on a daily basis. 1 million ton steel manufacturing capacity, 55,000 tons PVC pipes manufacturing capacity, 5,400 tons of flexible packaging capacity. Now, Kavartha iron ore in Chhattisgarh has been allotted, likely to become operation. The company expects like that. FY 20 mein chalu ho sakta hai, Kavartha iron ore mine. Sirka Guttu mein likely to be operational anytime now. There is a windmill in Tamil Nadu also. Like that, lot of things are there. Bahut kuch ho raha hai is company mein. So, there are two raw materials. Ek to iron ore hai, aur ek to hai power supply. Iron ore ke liye do mines hai. Ek to Chhattisgarh mein aur ek to Odisha mein hai. जो ओडिशा में है वो चालू हो जाएगा, वो जो छत्तीसगढ़ में है वो भी FY 20 में चालू हो जाएगा ना. और एक तो कोल किसके लिए चाहिए, फायरिंग के लिए चाहिए. वो आयरन और लिंकेजेस, सॉरी कोल लिंकेजेस आर देयर फ्रॉम वेरियस कोल फील्ड्स, ईस्टर्न कोल फील्ड्स के से इनको डायरेक्ट लिंकेजेस भी दिया गया है. सो अब तो आयरन ओर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो और भी बढ़ने वाला है. कोल है, कोल डायरेक्ट लिंकेजेस फ्रॉम ईस्टर्न कोल फील्ड्स है.
और पावर जनरेशन कैपेसिटी भी प्रकाश इंडस्ट्रीज़ के साथ है. सो जो कुछ भी चाहिए बढ़ने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, सब कुछ इनके पास है. मैंने भविष्य में ये कंपनी और भी अच्छा बन सकता है, और भी बड़ा बन सकता है. नाउ अब Q3 के बारे में कुछ देख लेंगे. Q3 में नेट सेल्स 1026 करोड़, पहली बार 1000 करोड़ से आगे चलकर 1026 करोड़ नेट सेल्स किया है. ईयर ऑन ईयर देखने से 41.3% ग्रोथ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने से 8% ग्रोथ है. नेट प्रॉफिट हम देखेंगे, वहाँ भी 39.44% ग्रोथ है, 101 करोड़ से 141 करोड़ तक बड़ा है. परसेंटेज में 39.44% ईयर ऑन ईयर एंड 8.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर. नाउ इक्विटी 7% बड़ा है, 152 करोड़ से 163 करोड़. ईपीएस यदि देखेंगे वहाँ भी 30% ग्रोथ है, 6.68 रुपीज़ से 8.64 रुपीज़. मार्केट प्राइस ये एक देखने वाली बात है. अब मार्केट प्राइस 96 है, ये लास्ट वन ईयर में मैक्सिमम प्राइस वाज 276, अब 96 में है. सो ऑलमोस्ट 1/3, वन ईयर बिफोर 256-260 लाइक दैट, 9 months बैक 201, 6 months बैक 139, 3 months बैक 116, और 1 month बैक 82 एंड ऑड. नाउ करेंटली इट इज़ अराउंड 96. यहाँ से ये आगे जाएगा या नहीं, ये बताना मुश्किल हो रहा है. ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इतना अच्छा है, लेकिन प्राइस परफॉर्मेंस बहुत बहुत डिसमिल लग रहा है. यहाँ से आगे जा सकता है. यदि आप प्राइस अर्निंग देखेंगे तो ये हार्डली 2.78, बहुत ही छोटा, बहुत ही लो, 2.78. एक्चुअली करेक्ट प्राइसिंग यदि हम लगाएंगे तो 10 प्राइस अर्निंग मिनिमम, 10 प्राइस अर्निंग लगाएंगे तो भी इट शुड बी मच हायर दैट 276 अराउंड दैट इट शुड बी होना चाहिए. लेकिन क्यों 96 में पड़ा है ये बताना मुश्किल हो रहा है. आगे तो कुछ कंट्रोवर्सीज था, सेबी ने इसको शेल कंपनी बताकर एक सर्कुलर जारी किया था. उसके बाद इसने प्रकाश इंडस्ट्री ने अपील किया था, और वो शेल कंपनी इस लिस्ट से इसको हटा दिया था. अब तो वो उस प्रॉब्लम तो नहीं है, और बहुत आगे, बहुत पुराने बात है. एनफोर्समेंट डायरेक्टर ये इनका ये आयरन माइन और कोल माइन का लिंकेज वो इट वाज बैड, इट वाज नॉट ग्रांटेड करेक्टली, ऐसा कुछ बोला था. वो सब पुराने बात है. आज तो उस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्राइस, मार्केट प्राइस बहुत लो लग रहा है. सो कब 96 से और एक बार 276 था जब सेल्स वर हाफ, नाउ से सेल्स हैव गैलप्ड ऑलमोस्ट डबल, प्रॉफिट्स हैव डबल्ड. देयरफॉर 270 से भी आगे जाने जा सकता है यदि ये ठीक मार्केट में है तो. लेकिन ये करेक्ट मार्केट में नहीं है, मार्केट परसेप्शन इसके बारे में ठीक नहीं है. मेरे ख्याल से मैनेजमेंट को
मीडिया के सामने आकर कुछ कहना है, जैसे ये वक्रांगी का चेयरमैन, मनपसंद का चेयरमैन आकर कभी कभी बताते हैं, और उनके बारे में जो संशय संदेह थे उसको दूर किए थे। इसी तरह प्रकाश इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट को भी करना है। यदि ऐसा कुछ हुआ तो, और मार्केट का सेंटिमेंट प्रकाश इंडस्ट्री में के बारे में इम्प्रूव होगा तो ये 96 से बढ़कर अपवर्ड्स जा सकता है। लेकिन ये होगा या नहीं होगा कौन जाने। मेरा तो आशा है ये जाना चाहिए। मेरा तो कोई रीज़न नहीं दिख रहा है ये 96 में पड़े रहने का। देख लेंगे भविष्य में क्या होगा, देख लेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। सुनते रहिए, एक दो तीन बार सुनकर आपका डिसीजन लीजिए। इसमें राकेश झुनझुनवाले जैसा बिग बुल्स भी निवेश किए थे। अब भी हो सकता है, मैं देखा नहीं। मुझे तो ये कंपनी अच्छा लगता है। सो आई विल बी बैक विथ यू विथ अनदर गुड स्टोरी। टिल देन गुड नाइट एंड गुड बाय।